लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा क्या कि हमने बताया था आपको, आपको पहले वीडियोस मिल चुका है, हमने बात किया था मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का फीचर्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट आर्ट्स एंड साइंस है या फिर दोनों है, उसका फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट, इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। सॉरी फॉर द डिले यार, मतलब कुछ घर के काम में बिजी था इसलिए लास्ट कुछ दिन से पोस्ट नहीं कर पाया, तो आज देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा टाइप का होगा, ठीक है, थिंक लाइक दैट एंड कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन होने के लिए ठीक पहले जो हमने बताया था आपको ना कि आर्ट्स होने के लिए क्या चाहिए होता है, साइंस होने के लिए क्या चाहिए होता है, तो अब यही बात करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होने के लिए क्या चाहिए। तो किसी भी चीज़ को प्रोफेशन, किसी को आप प्रोफेशन तब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एक प्रोफेशन है ना, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, तो उस तरह से उनको प्रोफेशन क्यों कहा गया है। तो पहला फीचर देखो क्या, मैंने किसी भी चीज़ को प्रोफेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स एसेंशियल्स, है ना, उसका फीचर्स क्या क्या है प्रोफेशन का। तो पहला देखना क्या, उसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा। अब इसका मतलब क्या होता है सर, मतलब क्या उसकी अलग पढ़ाई होगी, डॉक्टर्स की अलग पढ़ाई है, इंजीनियर की अलग पढ़ाई है, तो जितने भी प्रोफेशन देख रहे हो आप उनके सबके अलग, टीचर्स के अलग पढ़ाई, उनके लिए बीएड करना पड़ता है, डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक करना पड़ता है, तो जितने भी आप प्रोफेशन देखोगे सबकी अलग अलग पढ़ाई है। ठीक, यहाँ पे सेम बात यहाँ पे आती है क्या कि उसकी एक अलग पढ़ाई होनी चाहिए, मैनेजमेंट की भी एक अलग पढ़ाई है। आपके आज के दिन में आपके पास अवेलेबल कोर्सेज हैं, आप BBM कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MBM कर सकते हो, है ना, तो ये सब क्या है कि आप मैनेजमेंट के लिए अलग से पढ़ सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जिसने पढ़ा, जो डॉक्टरेट MBBS पढ़ता है वही डॉक्टरी कर सकता है, जिसने BTech पढ़ा है वही इंजीनियरिंग का इंजीनियर होता है, ये मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है। आज मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है कुछ 100 साल 200 साल पहले निकला था, लेकिन इसके पहले बिजनेसमैन बने थे, ये जो कोर्सेज है वो कुछ डिकेड्स पहले निकले थे, लेकिन उसके पहले भी बिजनेसमैन थे। धीरूभाई अंबानी के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि उन्होंने कोई मास्टर्स इन मैनेजमेंट नहीं किया था, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आज के डेट में आप देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ाई नहीं की थी, बट स्टिल दे डिड मैनेजमेंट इन द बेस्ट वे, इन द बेटर वे, है ना, इसके लिए आज के दिन में वो रिनॉन्ड कंपनीज के बारे में आते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब क्या कि हर कोई उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे को बचपन में शौक था, बहुत शौक था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, आप में से बहुत लोगों का शौक होगा, भले ही कॉमर्स पढ़ रहे लेकिन शौक होगा बचपन में क्या कि मैं डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, है ना, आई विश मैं डॉक्टर होता। तो डॉक्टर होता ठीक है, तो क्या आप उठ के डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, देयर इज रेस्ट्रिक्टेड। जिसने MBBS किया हुआ है, जिसने BDS किया हुआ है, जिसने होम्योपैथिक में किया हुआ है, BHM किया हुआ है, जिसने जो भी है, है ना, तो जिसके पास ये डिग्री है वही इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। तो सेम बात मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए कि जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री है वही मैनेज कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने देखा इसमें क्या कि भले ही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के लिए अलग से पढ़ाई होती है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करके मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपने अगर कोर्स लिया है तो ही आप मैनेजमेंट कर पाओगे। और लास्ट में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स, कि आपके पास आप जो कुछ काम, डॉक्टर्स का आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, जिसमें वो सीन याद करो जरा, 3 इडियट्स मूवी का, जब वो उसका आमिर खान का फ्रेंड ना राजू का पापा बीमार हो जाता है, तो उसको वो करीना कपूर को बोलता है ना आमिर खान कि क्या तुमने क्या कसम खाई थी, याद करो जरा, दैट मीन्स व्हाट, कि कुछ कुछ एथिक्स होते हैं वो सीन, है ना, वो तो उसके लिए बेचारी को है ना स्कूटी पर ट्रिपलिंग करके जाना पड़ता है। सेम थिंग इज देयर, यहाँ भी सेम बातें होती है क्या कि आपने क्या करना। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि कुछ आपको रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स मानने पड़ते हैं, मतलब क्या कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, अनएथिकल नहीं करोगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी है एथिक्स ना, कि मतलब मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा। जैसे बाकी में है यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब करके कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि हर मैनेजर को चाहिए क्या कि वो अपने बिजनेसमैन को, अपने ओनर को प्रॉफिट दिला सके। तो ये तीनों पॉइंट्स होना चाहिए प्रोफेशन के लिए, ठीक है। और मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में तीनों बात है, हाँ है, लेकिन पार्शियली है,
तो हम एक स्टेटमेंट तो कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, जी नहीं या जी हाँ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर हम जी नहीं नहीं बोल सकेंगे तो हम जी हाँ भी नहीं बोल सकेंगे। तो हमने एक पार्शियल बीच में एक लाइन निकाला है क्या कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, हम उसको बोलेंगे हाँ ठीक है दिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो ये पार्शियल ट्रू है। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो आपको जस्टिफिकेशन देकर ये लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के जाने से पहले मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन देखा हमने, मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स देखा हमने, मैनेजमेंट एज साइंस देखा हमने, हमने मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ पढ़ा है। अच्छा मैं एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको कि जिससे आपको मतलब ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ये लॉकडाउन वाला प्रॉब्लम कब तक चलेगा आई डोंट नो, ठीक है या वी डोंट नो, हाँ मे बी अब तक दिया है कि आपके कॉलेज कब तक खुलेंगे पता नहीं। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप मेरा वीडियोज़ देखते हैं चाहे आपने कुछ भी पॉइंट देखा हो, आप एक काम करना मेरा वीडियोज़ देखो उसके बाद आप प्लीज़ बुक पढ़ो और काइंडली मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को नोट्स बना के रखो, ठीक है। तो एक साथ आपका सारा काम होता चला जाएगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं तो प्लीज़ कम से कम इतना आप करना यार, मतलब कि आपने जो भी पॉइंट्स देखा है पढ़ा है आपने नोट्स बनाना है, क्योंकि जिस दिन भी मेरा कॉलेज खुलेगा मैं आज चेक करूँगा कि आपने कितने नोट्स बनाया है, क्या किया है नहीं किया है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ काइंडली मेक टेक डाउन द नोट्स, है ना। आप नोट्स प्लीज लिख लेना, और नोट्स लिखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा, पहले आप क्या करो मेरा वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद जो भी समझ में आया है उसके बाद आप पढ़ो, उसके बाद अगर दरकार पड़े प्रॉब्लम है आपको यू कैन रिंग मी अप, मैसेज करो कॉल करो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू एनी टाइम, ठीक है। बस पूछो सर ये डाउट है कैसे क्या करना है, आप मैसेज कर सकते हो, छोड़ सकते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको मैसेज और सोल्यूशन दे दूँगा, नहीं तो आप मुझे कॉल करो मैं आपको सोल्यूशन पक्का दूँगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अब देखिए मैनेजमेंट जो है ना वो एक लेवल का नहीं होता है, मैनेजमेंट का डिफरेंट लेवल्स है ना, हर तरह का मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप बिजनेस में देखते हो तो एक क्या होता है मैनेजमेंट करने वाला, के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक जो बेसिक लेवल पे काम करने वाला छोटा मोटा इंजीनियर है या मैनेजर है, ठीक है, या आप उसको मतलब क्लर्कियल पोस्ट पर हो सकते हो, क्लर्क है ना, तो वो भी एक पोस्ट है, उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर है, उसके ऊपर एरिया मैनेजर है, उसके ऊपर जोनल मैनेजर है, उसके ऊपर एमडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई मैनेजर है, हर कोई मैनेजर, वो एमडी ही मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है अपना बिजनेस को, एक जोनल मैनेजर अपने जोन को मैनेज कर रहा है, एक एरिया मैनेजर अपने एरिया को मैनेज कर रहा है, एक ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच को मैनेज कर रहा है, हर कोई मैनेजमेंट करता है। तो अब बात क्या आता है, क्वेश्चन अराइजेस की कौन सा क्या लेवल है, इतना सारा पोस्ट है सर अब किसको मैनेजर बोलोगे। ये तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, हमने मैनेजमेंट के लेवल्स को डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड किया तीन पार्ट में, पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल और तीसरा है लोअर लेवल। मतलब क्या, टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, जो कंपनी का जितने भी कंपनी का एमडी है, जो कंपनी के एमडी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, वो सबको क्या कहेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएंगे, जितने भी मैनेजर्स है ना, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, ये सब के सब कौन है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल है ना परचेज ऑफिसर हो गया, जो भी ग्राउंड लेवल काम करते हैं उसको कहते हैं लोअर लेवल मैनेजर या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर। तो तीन लेवल हमने मिला, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेटिंग लेवल भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि इसमें इनका फंक्शंस क्या है, तो मैं तीन तीन फंक्शंस यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बुक में आपके ज़्यादा लिखा हुआ, प्लीज़ बुक चेक करेगा, ठीक है। और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी, आई विल बी क्लियर यू। तो पहला फंक्शंस क्या है कि टॉप लेवल का बात करते हैं, तो टॉप लेवल का फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल इज सेटिंग गोल्स, जितना भी गोल है, टारगेट है, आपने क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सब के सब कौन सेट करता है, आपका कंपनी का टारगेट कौन सेट करेगा,
टॉप लेवल जो मालिक कंपनी का। तो यहाँ पे क्या होगा, सेटिंग गोल्स, नेक्स्ट मेकिंग प्लान्स, पॉलिसीज, बजट, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल। आपकी कंपनी का प्लान क्या रहेगा, आपकी कंपनी किस पॉलिसी में काम करेगी, आपकी कंपनी का बजट क्या है, इस साल का क्या बजट है, क्या टारगेट है, ये सब कौन सेट करता है? ये सब सेट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब सर, अब देखो इसके बारे में डिटेल्स मिलेगा हमें ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अभी बेसिक के तौर पर याद होगा कि हमारी कंपनी में कितने पोस्ट होंगे, कितना सेक्शंस होगा, कितना एरिया होगा, कितना जोन होगा, कितना क्या बोलते हैं उसको लेवल होंगे, ये सब के सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ये सब के सब कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल। तो ये तीन मेजर काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या? सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना, प्लान्स, पॉलिसीज, बजट बनाना, और लास्ट में मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में बात करना। नेक्स्ट आ गई मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये मार्केटिंग मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स का पोस्ट मिलता है ना आपको देखने को मिलता है ना, वो उसमें से अधिकतर लोग क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाया, बजट बनाया या प्लान्स बनाया, जो भी बनाया, वो इनको बोलते हैं। ये इंसान क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर आके लोअर लेवल में बोल देगा। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है? इंप्लीमेंटिंग जितना पॉलिसीज है वो सब कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट, जितना भी रिक्रूटमेंट का काम होगा, अब वैकेंसी निकली 10 वैकेंसीज, तो आपको क्या होगा, कंपनी का मालिक आके बोलेगा आपको, वो 80 का जमाना गया, 1980s का जमाना गया। अभी मैक्सिमम जब आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं ना, तो हमने क्या किया है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल वाले क्या करते हैं ना कि उन्होंने रिक्रूटमेंट करने के लिए अलग अलग लोगों को रिक्रूट करके रखा है। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपको याद है ना, वो राजू जब जाता है क्या करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर 4-5 लोग रहते हैं, तो वो 4-5 लोग क्या कंपनी के मालिक थे क्या? जी नहीं, उन्होंने उसे बोला, भाई मैं तो यहाँ पर 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, मैंने आपके तरह एटीट्यूड वाला बंदा नहीं देखा, बोलता है ना। तो आप हाँ मूवीज में मत खो जाना, ठीक है, जस्ट खाली इमेजिन करके फिर वापस आ जाना कि ये जो रिक्रूटमेंट वाले काम कौन करता है, ये सब के सब कौन करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। एंड लास्ट इज इट एक्ट एज ए मिडिल मैन, मतलब क्या, नीचे वालों को ऊपर से दिया हुआ मैसेज सेंड करते हैं, मतलब क्या, देखो भाई आपने एक महीने में इतना काम करना है, बोल देंगे नीचे वालों को, जब नीचे वाले कुछ बोलेंगे भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर पहुँचा देंगे। तो इट एक्ट एज अ मिडिल मैन। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, इनका इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचाते हैं, उनका दिए हुआ प्रॉब्लम्स फीडबैक्स ऊपर पहुँचाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लास्ट, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, जितने भी ऑफिसर की तरह के लोग हैं वो सब क्या करेंगे, वो सब आते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स या सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम क्या क्या है, इनका काम है डे टू डे एक्टिविटीज प्लान करना कि आज दिन भर में क्या करना है ना, आज 2 हफ्ते में, एक वीक में क्या करना है, जो कुछ भी है ये सब कहाँ आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इंटरेक्शन विथ वर्कर्स, मतलब क्या, वर्कर्स का इंटरेक्ट करना, उनको बेटर कंडीशन प्रोवाइड करना। एक वर्कर काम करेगा, अच्छी तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके पास अच्छा सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा, ये बताने वाला कौन करेगा, दिस ये सब अरेंज कौन करके देगा, लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, और लास्ट क्या है कि वर्कर्स से फीडबैक लेके, भाई क्या प्रॉब्लम आया, हमने जो टारगेट सेट किया था उसमें क्या प्रॉब्लम आया, उसको अचीव करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ को चेक करके उसका फीडबैक लेकर कहाँ पहुँचाना, मिडिल लेवल को देना, ताकि वो पहुँचाए कहाँ, टॉप लेवल। तो ये काम क्या है, उनका फीडबैक कलेक्ट करना, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, और साथ में डे टू डे एक्टिविटीज प्लान करना, ये तीन मेजर फंक्शन है इसका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो हमने बता दिया आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये तीन मेजर लेवल्स है। आपने क्या करना है, तीनों का फंक्शन अलग अलग लिखना है। आप प्लीज़ काइंडली बुक फॉलो करके 4-4 फंक्शन लिखना, कभी कभी 3 मार्क्स का आता है तो आपको 4 मार्क्स 4-4 फंक्शन लिखना जरूरी है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको